तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने नॉर्मल से वीडियो में कुछ इस प्रकार से स्लो एंड फास्ट मोशन के साथ साथ ब्लर इफेक्ट वाला अप्लाई करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ज्यादा तामझाम पाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिंपली एक क्लिक में बताऊंगा जिससे आप लोग इस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं। काफी ज्यादा सुंदर लगता है इस प्रकार का एडिटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को फोन में कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। कैपकट एप्लीकेशन नहीं है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से, इसका एपीके फाइल डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद इसको कैपकट को इंडिया में चलाने के लिए आप लोगों के साथ कोई सभी वीपीएन होना चाहिए। तो यहाँ से मैं यूज करूंगा सिक्योर वीपीएन, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग सिक्योर वीपीएन को इंस्टॉल करके इसको आप लोग कनेक्ट कर लेना, तभी आप लोगों के फोन में कैपकट एप्लीकेशन चलेगा और आप लोग इसमें अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहे वीडियो करने तक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज के एडिटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग कोई सा भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग वीपीएन कनेक्ट कर लेना, जिससे आप लोगों का वीडियो एडिटिंग अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना सिक्योर वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना सिक्योर वीपीएन का एप्लीकेशन को कर दिया हूँ ओपन। ओपन हो जाने के बाद आप लोग सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर लेना, तब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पर कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीपीएन कनेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली चले जाना होगा क्रोम एप्लीकेशन में। क्रोम एप्लीकेशन में जाने के बाद आप लोगों सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर होम पेज वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा और यहाँ पर आप लोगों को सर्च क्या करना ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर देना होगा कैपकट हीलिंग टेम्पलेट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सर्च कर देना होगा। इतना सर्च कर देने के बाद थाईलैंड वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कैपकट हीलिंग थाईलैंड सर्च कर दिया हूँ। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आओ, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे अप्लाई करना ध्यान से देखो सबसे पहले। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यूज टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने 12 सेकंड का तैयार किया या फिर जो भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है उसको आप लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये वीडियो है नॉर्मल सा, इसको क्लिक करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को स्लो एंड फास्ट इफेक्ट वगैरह इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इफेक्ट अप्लाई हो चुका स्लो एंड फास्ट वाला, ठीक है। अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से स्मूथ हो रहा है। स्मूथ हो जाने के बाद आप लोगों को इसको गैलरी में कैसे सेव करना है उसको आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका। अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और ये आप लोगों के फोन की गैलरी में हो जाएगा सेव। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी और भी ऐसे एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।